इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जय हिंद साथियों, 15 जून को लद्दाख के अंदर भारत चीन सीमा पर भारत और चीन के सेना के जवान आमने सामने होते हैं, उनमें संघर्ष होता है। उस संघर्ष में 15 तारीख को संघर्ष में पता लगता है, जब हम 16 तारीख को सुबह उठते हैं जून को, कि 3 जवान शहीद हो गए हैं। थोड़े फिर और आगे बढ़ते हैं तो रक्षा विशेषज्ञ कहें, मीडिया कहें या सेना के पूर्व जवानों से पता लगता है कि 3 नहीं 20 जवान शहीद हो चुके हैं। और उसके बाद एक दिन आगे बढ़ता है, 17 तारीख आती है तो पता लगता है कि सिर्फ 20 जवान शहीद ही नहीं हुए हैं, लगभग 100 के करीब जवान गंभीर रूप से घायल अवस्था में लद्दाख के आर्मी अस्पताल में भी हैं। उसके बाद 18 तारीख को देश के रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, देश के विदेश मंत्री से बुलवाया जाता है कि कोई भी जवान चाइना की जो सेना है उसका बंदी नहीं है, हम यकीन करके भरोसा करके जो है 18 तारीख को सो जाते हैं। लेकिन 19 तारीख को जब हम जागते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस मीडिया में खबरें होती हैं कि चीन ने हमारे 10 जवानों को बंदी बनाया हुआ था, जिन्हें आज सुबह 19 तारीख को रिहा किया गया है। सरकार क्यों झूठ बोल रही है, क्यों ये सच्चाइयां हमसे छुपाई जा रही है, क्यों नहीं हकीकत आज भी बताती कि गलवान वैली में और रिवर में आज क्या हालात हैं, किसका कब्जा था आज से पहले और आज किसके कब्जे में है वो, क्यों हमें गुमराह किया जा रहा है। मैं नहीं कह रही हूं बलवंत सिंह, कौन है बलवंत सिंह, बलवंत सिंह अलवर राजस्थान में जो हमारे जवान हैं सुरेंद्र सिंह उनके पिता हैं। सुरेंद्र सिंह जो अभी गंभीर रूप से घायल है लद्दाख के आर्मी अस्पताल में है, उनके सर पे 10-12 टांकियां हैं, उन्होंने वहां से अपने पिता को फोन करके बलवंत सिंह जी को बताया कि हम लोग 200-300 लोग थे, वो 2-3 हजार के करीब थे, हम निहत्थे थे, उनके हाथ में कील की रॉड्स थी, डंडे थे और हमें बर्बरता से उन्होंने पीटा और हमारे बहुत जवान मारे गए, शहीद हो गए और हम लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए हैं। ये सच्चाई एक सेना के जवान ने अपने पिता को बताई है कि निहत्थे भेजा गया, पीछे से उनकी सुरक्षा का दूसरा जो घेरा भेजा जाना था वो भी नहीं भेजा गया, मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। मैं आप सभी से कहती हूं आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, क्योंकि सरकार अभी भी बहुत कुछ हमसे छुपा रही है और ये छुपाकर हमारे देश की सेना के जवानों के साथ, देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रही है और ये हम कतई नहीं होने देंगे। अपनी आवाजें उठाइए ताकि देश को अपने घुटनों पर, देश की सरकार चाइना को अपने घुटनों पर मजबूर कर दे आने पर और भारत की सरकार सच्चाई देश के सामने रखे।